बंदरों की उल्टी सीधी हरकतों को दिखाने के लिए हम अपनी वीडियो को लेकर आए हैं। आपने कई सारी बंदरों की वीडियो देखी होगी जिसमें बंदर उल्टी सीधी हरकतों को करते हुए देखे जा सकते हैं, और आज हम फिर से बंदरों के ऐसे ही कारनामे दिखाने वाले हैं जिनमें बंदर अपनी उल्टी सीधी हरकतों से लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। आज की वीडियो बड़ी कमाल की है। अब दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें एक बंदर एक शख्स के पॉकेट में देखता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर यह बंदर शख्स के पॉकेट में हाथ भी डालता है, और यहाँ कुछ देर खोजबीन करने के बाद ये बंदर कामयाब भी हो जाता है और उस शख्स के पॉकेट से एक खाने के लिए फल निकाल लेता है। अब जो भी हो, इस बंदर के बारे में आप जो भी बोलें, पर असल में ये बंदर है तो बहुत ज्यादा समझदार। खैर दोस्तों, बंदर से जुड़ा ये अगला वीडियो भी आपको काफी ज्यादा फनी लगने वाला है, जहाँ पर एक बंदर पहले तो कहीं से एक पॉलीथीन ढूंढ कर लाता है और फिर उस पॉलीथीन को अपने चेहरे पर ओढ़ लेता है, और फिर उस पॉलीथीन को चेहरे पर ओढ़ने के बाद बंदर को पता नहीं क्या शरारत सूझती है। ये बंदर तेजी से दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ये बंदर ऐसा करके क्या साबित करना चाहता है ये तो यही जानता है, लेकिन जो भी हो, ये बंदर की हरकत तो काफी ज्यादा फनी है। दोस्तों अगला वीडियो और ज्यादा फनी है क्योंकि यहाँ पर एक बंदर काफी देर से अपना पिछवाड़ा दिखाकर चिढ़ा रहा है, क्योंकि इस बंदर को अच्छे से पता है कि वो कुत्ता शीशे के पीछे बंद है और इसी वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसके चलते ये बंदर इसी कुत्ते की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे और भी ज्यादा चिढ़ाता है। पर जो भी हो, बंदर की इस हरकत की वजह से कुत्ता भी यही बोल रहा होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगले वीडियो में एक बंदर पहले एक पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर दूसरा बंदर चढ़ता है और तेजी से पेड़ पर चढ़कर दूसरे बंदर को नीचे गिरा देता है। बेचारा पहले वाले बंदर तो सोचता ही रह गया होगा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। दोस्तों अगली वीडियो में दिखाई दे रहा है एक शख्स बंदर के साथ प्रैंक करता है और अपने हाथ में मौजूद दो कप के अंदर एक कैंडी डालकर उसे इधर उधर कर देता है, और साथ ही उन दोनों कप को नीचे रखने के बाद इधर उधर भी करता है, जिसके चलते बंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बिना कैंडी वाले कप को चूज करता है, जिसके कारण बेचारे बंदर को कैंडी हाथ नहीं लगती है। पर यहाँ पर बंदर भी काफी ज्यादा चालाक था और इसी वजह से वो दूसरे वाले कप को भी हटा देता है और तुरंत ही कैंडी लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंदर कैंडी लेने के बाद कितना तेजी से भागा था। अब दोस्तों आज तक आप कई तरह के बंदर देखे होंगे, लेकिन शायद ही आज से पहले कभी आपने ऐसा बंदर देखा होगा जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। नहीं मतलब आप साफ साफ देख ही सकते हैं बंदर किस तरह बस के अंदर बैठकर यात्रा का है, और इस दौरान ये बंदर बड़े आराम से सीट के ऊपर बैठा है। अब इस बंदर का टिकट कटेगा या नहीं यह बात तो कंडक्टर या बंदर ही जानता है। पर जो भी हो, इस बंदर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। एक बंदर देर से एक नारियल को तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर मारता ही जा रहा है, और यहाँ पर यह बंदर इस नारियल के ऊपर एक दो बार नहीं लगातार कई बार वार करता है, जिसके चलते आखिर में तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि नारियल तोड़ने के बाद ये उसका पानी भी पीता है। अब इस बंदर ने ऐसा तरकीब कहाँ से सीखी ये बात तो यही जानता है, पर जो भी हो, ये बंदर काफी ज्यादा समझदार तो है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बंदरों से जुड़ी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही बंदरों की और वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना।